अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज क्लास 2 यूनिट 2 माय स्कूल। इट्स द लेसन 4। इट्स ऑल अबाउट द स्कूल, योर स्कूल। ठीक है, ये आप सब उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस वगैरह होते हैं। योर स्कूल, योर स्कूल इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल। आपका जो स्कूल है वो या तो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर स्कूल कहलाता है। व्हेन यू आर ओल्डर, जब आप बड़े हो जाते हैं, यू विल गो टू अ सीनियर स्कूल, तो आप किसी बड़े स्कूल में चले जाते हैं। ठीक है, जब आप छोटे होते हैं तो पहले कौन सा स्कूल आता है, प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल, लेकिन जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो उसको सीनियर स्कूल कहते हैं। बड़ी स्कूल, बड़ी क्लासेस के स्कूल को सीनियर स्कूल कहते हैं। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट्स लीव स्कूल, जब तलबे इलम स्कूल छोड़ते हैं, दे यूजली गो टू अ कॉलेज, तो वो अमूमन किसी कॉलेज में जाते हैं। एंड सम गो टू अ यूनिवर्सिटी, और कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, मतलब मैट्रिक तक बच्चे पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ कॉलेज, दिस इज़ अ प्राइमरी स्कूल, दिस इज़ अ कॉलेज, ऑल्सो कॉलेज दिस वन, दिस आर द बॉय किड्स स्टडिंग इन अ स्कूल। ठीक है, दिस इज़ अ कॉलेज, दिस इज़ द प्राइमरी स्कूल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस बच्चे जाते हैं, जो स्कूल होता है सबसे छोटी क्लासेस का, वो स्कूल कहलाता है प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल। जब बच्चे बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो वो सीनियर स्कूल होता है, और जब मैट्रिक तक क्लासेस बच्चे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, आज के लिए आपके लिए यही रीडिंग है, आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है और अच्छी तरह इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।